भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला ओडीआई मैच 6 तारीख से अहमदाबाद में खेला जाएगा, लेकिन उस मैच के ऊपर संकट के बादल मंडराने लग गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि देखिए अभी तो सारी चीजें शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी, लेकिन अगर केसेस बढ़ते चले गए तो फिर हमें इस मैच को पोस्टपोन करना पड़ेगा। वी आर फ्लेक्सिबल और डेट के हिसाब से हम आगे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि जो संडे का मैच है उसे आगे शिफ्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से, यानी कि थर्सडे, आज से गुरुवार से सारे प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत होनी थी, लेकिन सारे प्रैक्टिस सेशन अब कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी कि आज से कोई प्रैक्टिस नहीं होगा। ना इंडियन टीम करेगी, ना वेस्ट इंडीज टीम करेगी। जो चार भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन, नवदीप सैनी, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर जो पॉजिटिव हो गए थे, तीन सपोर्ट स्टाफ में कहा जा रहा है कि जो फील्डिंग कोच है दिलीप वो भी पॉजिटिव हो गए हैं, जो मसाज देते थे वो भी पॉजिटिव हो गए, और एक और सपोर्ट स्टाफ का जो मेंबर है वो भी पॉजिटिव हो गए। सबको अलग फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन दिक्कत यहां पर आ रही है कि हर दिन धीरे धीरे करके रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। सबसे पहले टी दिलीप का रिपोर्ट आया था, उसके बाद श्रेयस अय्यर का कल रिपोर्ट आया, उससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ का पॉजिटिव आया था, फिर शिखर धवन एंड नवदीप सैनी उससे पहले पॉजिटिव हुए थे। तो हर दिन पॉजिटिव रिपोर्ट बढ़ती जा रही है। अब आज देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज जो है वो कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है, तो फिर हो सकता है कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चले, लेकिन अगर केसेस की संख्या बढ़ी तो फिर हो सकता है कि जो संडे का मैच है उसको पोस्टपोन किया जाए या फिर उसके जो शेड्यूल है उसे आगे शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि आपके जो दोनों ओपनर बल्लेबाज हैं शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ वो दोनों पॉजिटिव हो गए, केएल राहुल पहले ओडीआई के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे में मयंक अग्रवाल को चयन कर लिया गया है ओडीआई के लिए, एंड देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनको खेलने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, क्या मैच की भी शुरुआत जो है वो 6 तारीख को होती है नहीं होती है। लेकिन ये शॉकिंग है, 7-7, 8-8 खिलाड़ी इंक्लूडिंग आपके जो सपोर्ट मेंबर के सदस्य हैं वो पॉजिटिव हो गए, और अक्षर पटेल भी पॉजिटिव है। आपको बता दें कि T20 टीम में उनका चयन हुआ था और अहमदाबाद में ही बायो बबल में उनको जुड़ना था, लेकिन वो अब तक जुड़ नहीं पाए क्योंकि वो भी पॉजिटिव हो गए, तो उन पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन देखते हैं कि क्या 6 तारीख को मैच की शुरुआत होगी या नहीं होगी, लेकिन तमाम जो प्रैक्टिस सेशन थे वो सब कैंसिल हो गया है, एंड संकट के बादल 6 तारीख के मैच के ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।